वेलकम बैक। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले तो हमारे जो ग्लास फिश है उनको हमें रिलीज करना है फिर से रिवर में। तो बताइए गाइस, हम हमारे जो ग्लास फिश है उनको क्यों रिलीज कर रहे हैं रिवर पे फिर से। ये देखो भाई कितने सारे ग्लास फिश है, और काफी सारे भाई मुझे कह रहे थे कि भाई आप ये ग्लास फिश आपके मॉन्स्टर फिश को खिला दो। भाई ये मैं करता बट इनके ऊपर ना यार एक कांटा है यार। तो ये देखो दिख रहा है भाई आपको, बहुत सारे कांटे हैं भाई इनको, और ये कांटे हमारे जो मॉन्स्टर फिश है उनको दिक्कत भी पहुंचा सकते हैं, और मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, ये बहुत खतरनाक फिश है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी इनको लेके जाते हैं। ये देखो भाई लेको क्या कर रहा है, हमारे मॉन्स्टर फिश को क्लीनिंग कर रहा है। हेलो लेको, अरे 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 ये देखो भाई, और ये धूप सेक रहे भाई, यहाँ पे धूप भी आता है ना, तो ये देखो इनको प्रॉपर धूप भी मिलता है। तो गाइस सारी ग्लास फिश हमने दे दी है, कितनी सॉरी है, और ये बाप रे बाप। अभी हम रिवर पे आ चुके हैं, और ये रुक रुक डायरेक्ट मत छोड़ यार, इनका पहले ना पानी अपने ना एक्लिमेट करते यार, थोड़ा 5-1 मिनट के लिए ऐसा पानी हम रख देते हैं, फिर ये वाला पानी और ये वाला पानी जैसे मिक्स हो जाएगा, सारी फिश हम यहाँ पे छोड़ने वाले हैं। गाइस यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी ग्लास फिश है भाई, जबरदस्त भाई। देखे कितने। चलो गाइस अभी इनका जो वाटर है ये एक्लिमेट हो चुका है, मैं अभी सारी फिशेस यहाँ पे छोड़ने जा रहा हूँ। भाग गई, अरे बाप भाग गई भाग गई भाग गई। देखे 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 देखे, अरे बाप भाई ये सारे जोड़े ना दूसरे जोड़ के साथ मिल रहा है भाई अभी, अरे बाप ये देखे 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 क्या बात, बाप रे बाप बढ़िया दिख रहा है। आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, और गाइज मैं अभी आ चुका हूँ तुषार भाई के फार्म पे। आपको पता है मैं आपको बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज शेयर करने वाला हूँ। गाइज ये वाला आपको फार्म दिख रहा है, तो ये वाले फार्म में हम आज से हमारे सारे फिशेस रखने वाले हैं। हमें ना भाई कुछ बड़ा करने वाले हैं भाई, घर पे भाई बड़े फिशेस हम नहीं रख सकते थे क्योंकि घर वालों का प्रेशर था भाई, बड़ी फिश ना लाओ भाई, बड़ी फिश ना लाओ भाई, ये मत करो वो मत करो। तो भाई हमने सोच लिया कि भाई तुषार भाई का जो फार्म है ये पूरा का पूरा यहाँ पे हम रखने वाले हैं भाई हमारी सारी ड्रीम फिश। तो भाई आपको ये हैप्पी न्यूज़ कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। और भाई यहाँ पे अभी आप देख पा रहे हो ना भाई जितने भी पॉन्ड है ना भाई यहाँ पे सारे के सारे खाली है भाई, एक भी पॉन्ड में कुछ भी नहीं, मतलब फिशेज बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ही यहाँ पे अच्छा सजा दजाना है, और हमें जो मन करे वो हम यहाँ पे फिशेज रखने वाले हैं। तो ये देखो भाई यहाँ पे एक मेंढक है, ये देख पा रहे हो, इसे हमें निकलना होगा अभी पानी के बाहर। उतर तो करो ये चन पकड़ पैंट वर्दी, ये भी देखो भाई यहाँ का जितना भी पॉन्ड है ना भाई सारा कुछ खाली है, यहाँ पे बिल्कुल फिशेस नहीं। अभी पता नहीं ये कहाँ से आ गया, बारिश का सीजन भी चल रहा है तो आ गया होगा अभी बाहर से, पकड़ लिया। अरे बाप कितना तेजी से भाई ये, तो अभी उतर रहा है और इसको पकड़ने वाला है। पकड़ आराम से आराम से आराम से आराम से, अरे तिकड़े तिकड़े थे वो, तिकड़े तिकड़े तिकड़े, नेट टूटूंगे लेगा, अच्छे नेट तो लेता भाई। हाँ हाँ पकड़, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चल बाहर चल बाहर भाई, अभी तेज है भाई ये। चलो भाई जाओ 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 जाओ, अरे मयूर ये यहाँ पे जा रहा है भाई, जा जा भाई बाहर जा जा भाई, ये गया भाई। आज हमारा फर्स्ट डे है इस फार्म में, ठीक है, और फर्स्ट डे में ही हमारा ये वाला काम स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहला प्लानिंग क्या है भाई, हम यहाँ पे इसे ना कुछ आयरन की रैक बना रहे हैं, और यहाँ पे कौन सी फिश आने वाली वो तो सरप्राइज रहेगा भाई। गाइस भाई तो यहाँ से चला गया तुषार भाई, बट भाई ने एक चीज भी नहीं छोड़ी, मतलब छोटा फिश का बच्चा भी नहीं छोड़ा, बट भाई हमें एक सरप्राइज देके गया है जो कि आपको दिखाता हूँ मैं। तो सरप्राइजिंग चीज ये भाई, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीन प्लांट हमें भाई देखे गए, तीन है चार है या पाँच है, नहीं तीन ही है। इस वाले फार्म में हमें सारे मुर्गियों की भी केयर करनी है, जैसे कि टर्की बर्ड, अरे बापरे ये मैं जब आता हूँ ना भाई ये तभी उसकी आवाज़ निकलता है। उसके बाद ये वाली मुर्गियाँ है, फैंसी चिकन्स है, ये देखो भाई ये सिल्की है, सिल्की के बाद यहाँ पे भी टर्की है, और ये मेरी फेवरेट मुर्गी है, ये देखो भाई ये वाली भी है, और यहाँ पे आपको तो पता ही भाई फाइटर है। बाकी जितने भी बर्ड्स है भाई लेके गया उसके साथ में,
बाकी ये वाले थोड़े बहुत यहाँ पे एक दो करके पीस रह गए हैं, और ये भी भाई लेके जाने वाले हैं, और ये पूरा केज खाली हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ रहने वाली मुर्गियाँ, और हम न्यू फिशेज लाने वाले वो वाली। यहाँ पे भी एक बर्ड का पेयर था, वो भी चला गया भाई आज। अभी अभी आज से ये फार्म तेरे हाथ में। ओके भाई, ये देखो भाई सारे फार्म की हमें चाबी मिल गई, तो हमारे हाथ में अभी फार्म। और गाइस इस वाले जगह का क्या नाम देना है अभी आपको ही कमेंट में बताना है भाई, क्योंकि हमें बहुत लंबा नाम दिया है तुषार भाई का फार्म, तो ये बहुत लंबा नाम हो जाता है, तो आप ही बताना भाई इस फार्म का हम क्या नाम रखें। भैया ये काम हो जाएगा क्या आज? ये जो भैया है ना हमारे इधर डेजी फिश फार्म में जो केज बनाया था ना, तो ये वही भैया है। यही बताना था भाई आपको कि ये वाला फार्म हम ले रहे हैं, तो आपको ये कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो गाइस इसी के साथ करते हैं भाई आज का वीडियो एंड, और आपको हैप्पी न्यूज़ अच्छी लगी हो जरूर लाइक करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।